बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जहां पे सोशल मीडिया साइट्स पर एक पोस्ट को काफ़ी शेयर किया जा रहा है, इसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ज़ायरीन और इसके अलावा बहुत से लोगों को तवाफ़ काबा की इजाज़त दे दी है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल के लिए उम्रा ज़ायरीन को तवाफ़ की इजाज़त मिली है, वो भी स्पेशली जो परमिट वगैरह पर है। सब कुछ हासिल करके आपको तवाफ और उम्रा की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ देर पहले एक पोस्ट जो है हमें देखने को मिली, जहां बताया गया था कि आज से सब लोगों को तवाफ काबा की इजाज़त मिलेगी। नाज़रीन, ये पोस्ट दो बंदों ने शेयर की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तवाफ काबा को फिर से ओपन किया जा रहा है, लेकिन अखबार 24 न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है इसको रिस्पॉन्ड किया और कहा है कि ये बिल्कुल फेक है, ये पुरानी न्यूज़ है जैसे अभी चलाया जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। जैसा पहले से चल रहा था वैसा ही होगा, यानी उम्रा ज़ायरीन जो परमिट वाले होंगे उन्हीं को इजाज़त है तवाफ़ काबा करने की। सोशल मीडिया साइट्स स्पेशली फेसबुक पर वायरल होने वाली चीज़ें जो है वो अक्सर ऑथेंटिक नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थी पूरी वीडियो, अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकअल्लाह।